दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज की तारीख 8, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो ये तो कल का है, ये लाइन जो है कल जहां ओपन हुई थी उस 5 मिनट का है। ये देखो ये पहली 5 मिनट का लो और 5 मिनट का हाई, ठीक है। ये है हमारा 5 मिनट का लो और 5 मिनट का हाई। एक सेकंड, ये है, ठीक है ना। देखिए ये 5 मिनट कैंडल, मार्केट यहां से ओपन होती है। ये ग्रीन वाली कैंडल है पहली, ये ग्रीन वाली मार्केट यहां ओपन होती है, यहां जाती है और इसके बाद में अरे ये तो इसका गलत हो गया ना, ये है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। इस पर कैसा है ना, जो ये कैंडल एकदम हेल्दी कैंडल है। यहाँ पे देखो बहुत लोगों ने लॉस किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हेल्दी कैंडल पहली कैंडल बनती है, ये हेल्दी कैंडल जब बनती है ना ऐसी, देखो इधर बिल्कुल भी विग नहीं है। तो आदमी क्या सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। और यहाँ पे वो जब दूसरी कैंडल चालू हुई तो यहाँ पे एंट्री लिया और इसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पे गई और यहाँ से फिर रिटर्न हो जाती है आके ये सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज कर देती है। हाँ, और फिर तुरंत करेक्शन देती है, करेक्शन तुरंत दी, फिर नीचे आई और फिर दोबारा करेक्शन, डबल करेक्शन दी इसने, ठीक है ना, और फिर नीचे यहाँ पे आती है, ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज कर देती है और फिर इसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे अभी इसको क्लोज करी तो एंट्री तो यहाँ बनती है, चाहे इस कैंडल पे लो चाहे इस कैंडल पे लो, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था उनमें मैं भी था, ये लॉस हुआ। एक लॉट पे लगभग 1600 रुपए का लॉस, बहुत बड़ा लॉस हुआ और उस लॉस को कवर किया इस कैंडल ने। यहाँ पे एंट्री लिए और लॉस भी कवर और एक लॉट पे 784 रुपए प्रॉफिट भी आया, ठीक है ना, लॉस कवर होने के बाद। तो ये आज मार्केट पूरी तरह बेरिश थी और बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है इसने यहाँ पर। और इसके बाद देखो अब जब सस्टेन करने लगी तो सस्टेन करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे ही एक लाइन खींच देना है। इसके बाद में जिस साइड भी ये ब्रेक करके क्लोज करेगी, देखो इधर कर दी ना तो यहाँ से फिर एंट्री लो यहाँ तक। खैर यहाँ ये मैं नहीं किया हूँ, बस यहीं तक में, ठीक है। अब आइए निफ्टी पे, नहीं अभी पहले इसका वन डे देख लेते हैं, वन डे चार्ट में क्या किया है इसने। देखो यहाँ गई मार्केट, यहाँ थी, देखो ये कल के दिन में थोड़ा सा ऊपर गई, आज भी गैप अप ओपन हुई लेकिन ऊपर थोड़ा जाके और फिर नीचे, बहुत बड़ी कैंडल, बहुत बड़ा डाउनफॉल, ठीक है ना। अब ये यहाँ आके रुक गई है और इसमें सपोर्ट भी नहीं दिख रहा कहीं, सपोर्ट भी नहीं होने की वजह से अभी ये एक दिन कम से कम एक कैंडल और छोटी सी बनाएगी। अब देखिए अगर इस लो को ब्रेक कर दिया इसने तो फिर और बड़े लो के लिए अब तैयार रहिए, ये 44 के पास आने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अगर इस लो को ब्रेक किया तो और बड़े डाउनफॉल के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। आइए निफ्टी में देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। अब निफ्टी ने देखो ये है इसकी पहली कैंडल, ये
और ये दोनों का पहली कैंडल है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाती है, मैनुअल खींचने में यही होता है। ये हो गई ये, ठीक है। पहली बेरिस कैंडल बनाई और फिर उसके बाद ये नीचे आती है, फिर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर यहाँ से रिटर्न हुई, यहाँ नीचे आ गई, फिर जाके इसने इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और ये स्विंग को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ से बनी ये, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ये ट्रेड ये भी दी है। और इसकी ट्रेडर्स के लिए तो भाई दो ट्रेड हैं, लेकिन एकदम सिंपल ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेड। फिर ये यहाँ जा गई, यहाँ से थोड़ा नीचे होके फिर यहाँ पर कर रही थी, इससे एक लाइन खींचिए, जब ये ब्रेक करके क्लोज करे तो यहाँ पर एक ट्रेड और लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको उस दिन बताया था कि जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर देगी तब तक मेरा नज़रिया बेरिश ही रहेगा। अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है तब मैं पॉजिटिव होऊंगा। अब देखो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर गई और फिर आज एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी है और ये सपोर्ट पे आके रुकी हुई है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक होगी तो फिर इस हाई को ब्रेक कर देगी। अगर कहीं इसने इस सपोर्ट को ब्रेक की और एक दिन यहाँ पे रुकी और रुक के ऐसे गई तो फिर इस लो को ब्रेक करेगी, ठीक है ना। यहाँ स्विंग बनाई, अगर इसने एक दिन रुक गई और एक दिन दो दिन जो भी रुकी और रुक के फिर नीचे की तरफ आ रही तो फिर ये बड़ा हाई बनाएगी, ज़्यादा लो, फिर एक नए इस लेवल पर तक के लिए आने के लिए तैयार रही आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे। पहले निफ्टी को देख लेते हैं। ये है फ्लैट एरिया। अगर निफ्टी कल यहाँ पे ओपन होती है या तो ऐसा स्विंग बनाए या ऐसा स्विंग बना के बाहर निकले, नहीं तो फिर अगर सस्टेन करे ऐसे घंटों भर एक आध घंटे सस्टेन करी और फिर क्लोज करके जिस साइड भी क्लोज करके ब्रेक करी तो समझ लो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ क्लोज करके ब्रेक करने के बाद भी एक बार इसने यहाँ पे कंफर्मेशन किया है, ठीक है, फिर जाके नीचे आई, ऐसा आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, एकदम सेफ ट्रेड, नो लॉस। चलो आइए देखते हैं कल का टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का टारगेट फ्लैट में क्या होगा। पहला टारगेट होगा 21,850 और 21,900, ठीक है। पुट साइड का होगा फ्लैट में, पुट साइड का 21,700, 21,650, 21,600। अगर ये गैप अप ओपन हो गई यहाँ पे 800 के ऊपर तो गैप अप में टारगेट होगा, गैप अप में कॉल साइड 21,850, 21,900, 21,950 और पुट साइड का होगा 21,750, 21,700, 21,650। अगर ये गैप डाउन ओपन हुई यहाँ पे हो जाती है तो हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का होगा 21,750, 21,800, 21,850 और पुट साइड का होगा 21,650, 21,600 और 21,550। तो ये कल निफ्टी जो है हमको ये टारगेट दे सकती है
और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने देखने वाले लोग हैं वो लाइक कमेंट करें। आइए बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी का ये हमारा फ्लैट एरिया 100 पॉइंट का है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके बीच में ओपन होगी ट्रेडिंग का सिनारियो आपका यही है, देखो कैसे यहाँ बाहर निकली और कैसे इधर गई। अगर आज के जैसा भी करेगी तो फिर आपको ये दो लाइन खींच के बैठ जाना, चुपचाप दो लाइन खींच के बैठ जाना है। जिधर भी देखो यहाँ पे इसने ट्रैप भी किया है, लेकिन ये तो होता ही रहेगा ना, 10 बार में दो बार एक बार ऐसा होगा। तो इस साइड निकली तो, लेकिन यहाँ पे ट्रैक करके फिर नीचे आ गई। तो अगर नीचे आ गई तो जल्दी से यहाँ से निकलना भी है, लॉस कम करना है। प्रॉफिट थोड़ा ही हो लेकिन लॉस उससे भी कम होना चाहिए, प्रॉफिट से भी। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ी देर फिर सस्टेन करती है और इस साइड निकलती है और कन्फर्मेशन भी देती है और फिर इधर आई। तो अपना टारगेट कितना बढ़िया टारगेट दी। तो हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का बैंक निफ्टी में पहला टारगेट 45,200, 45,300, 45,400, और पुट साइड का होगा 44,900, 44,800, 44,700, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो गई 200 के ऊपर ओपन हो गई यहाँ पे 200-300 के बीच में, तो कॉल साइड का टारगेट होगा 45,400, 45,500, 45,600, और पुट साइड होगा गैप अप में 45,200, 45,100 और 45,000, ठीक है ना। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है 45 के नीचे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 45 के नीचे, पहला टारगेट होगा 45,000, दूसरा होगा 45,100 और तीसरा होगा 45,200 और पुट साइड का होगा 44,900, 44,800 और 44,700। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के साथ में बढ़िया से, डरिए मत और लालच भी मत रखिए, धीरे 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 छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, सिंगल लॉट, एक दो लॉट, बस इससे ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाइए, लॉस से बचने की कोशिश करिए, लॉस नहीं होना चाहिए, बड़े टारगेट के चक्कर में लॉस में मत जाना। तो दोस्तों यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब जय हिंद।